अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज फॉर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो जी यहाँ से मैं जा रही थी श्रीनगर से डायरेक्ट कुपवारा, क्योंकि मुझे एक दावत अटेंड करने जाना है। आप सब सोचोगे कि ये परसों ही वापस आई थी तो फिर से क्यों जा रही है। तो इससे पहले आप कमेंट्स में बोलो तो मैं इसी बोलूँगी, मुझे एक दावत अटेंड करनी जानी है जो कि वहीं पर है मेरे मायके में। सोपोर पहुँचते ही मेरी कज़न ने मुझसे पूछा कि क्या खाओगी, तो मुझे यहाँ पे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज़ हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपको बैकग्राउंड से समझ आया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं आई थी परसों यहाँ अपने मायके श्रीनगर से हंदवारा में आ गई थी डायरेक्ट। और क्योंकि मुझे एक दावत अटेंड करने जाना था जिसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, वरना मैं कुछ देर पहले ही यहाँ से गई। तो आप सब अब कमेंट्स में बोलोगे आप तो परसों ही आई थी फिर से क्यों आ गई। तो मुझे एक दावत पे जाना था जहाँ पे मुझे दावत थी, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। तो अभी मैं और एक दो दिन रुकूँगी, तो कल है फ्राइडे, संडे को मुझे वापस जाना है। और बस इसी वजह से मैं आई थी, बाकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप सबको अपडेट कर देती हूँ। ना बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी मेरा भाई हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ सेट करके दो मुझे, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब मैं अच्छे से सेट करूँगी। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ सेट करती हूँ, अच्छे से उसको सेट करके देती हूँ। फ्रेंड्स ये सूट जो है ना, ये है मेरी शादी का सूट, ये मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। और ये देखो इतना खूबसूरत है ना, ये है इसके स्लीव्स, तो ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। और ये है साथ में इसका दुपट्टा, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सूट है ये। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि ये मैं किसी को दूँगी, तो मुझे अभी नज़र पड़ी इस पर, ये मुझे रखा हुआ था यहाँ पर, तो ये मैं अब किसी को दूँगी, क्योंकि अब मेरे यूज़ का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। उसके बाद मैं लगी थी अपना काम करने, क्योंकि यहाँ पे मैं जब बैठती हूँ ना तो चीज़ें इधर उधर बिखरी जाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर मुझे बोला गया कि आप ठीक करो ये। तो यहाँ पे मैंने फिर सारे कुशन्स ठीक किए और सारी सेटिंग की। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल जमा हुई है, तो अभी इसे करते हैं यहाँ से क्लीन। और ये भी कहते हैं साफ, मेरे भाई ने मुझे बोला था खाली कुशन साफ़ करो, बट मैं सारा कर रही हूँ, टी वी भी, ताकि उसको भी थोड़ा अच्छा लगे कि इसने अच्छे से किया है सब कुछ। हमारा घर ना सड़क पे है, तो यहाँ पे ना धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चलती हैं ना यहाँ से, जिस वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। अब देखना ये कैसे चमकेगा, ये देखिए चमक कैसे रहा है। ये फ्रेंड्स अब कैसे खूबसूरत हुआ है सारा कुछ। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से रखा है, तो अभी जाके उसको अच्छा लगेगा। उसने मुझे बोला था खाली कुशन्स ठीक करो, तो लेकिन मैंने फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया, यहाँ से धूल मिट्टी सब कुछ हटाया। मैं यहाँ से टाइल्स का काम भी चल रहा है आज, तो यहाँ पे लग रही है टाइल्स, अभी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तब ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर मैं अच्छे से दिखाऊँगी। और कहते हैं डोर बंद, और यहाँ पर कहते हैं लाइट्स ऑफ। कोई नहीं है, अब यहाँ पे टेडी बियर सोया हुआ है, बाकी मेरी जो बहन है वो स्कूल गई है, तो मैं आई थी यहाँ पे बैठने, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं बाहर ही निकलूँ। ओके, तो बैठ के करते हैं बात। और किसी ने मुझसे ये भी
पूछा था कि आप जो मॉर्निंग में लेते हो वो ड्रिंक क्या वो ग्रीन टी होती है? वो ग्रीन टी नहीं होती है, बट वो होता है जीरा और सौंफ। फिर मैं उसको अच्छे से उबालती हूँ और फिर मैं उसको अच्छे से छान के उसका जो पानी है वो पीती हूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी मैंने एसी ऑन किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना देखो कितना आ रहा है। तो इसीलिए मैं इसी रूम में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे एसी है ना, तो अच्छा लगता, वरना हिम्मत नहीं है बंदे की, बंदा कहीं और बैठे। और वही मैं पीती हूँ। बाकी हर आप सब मुझे ये भी बोलते हो कि चीनी आप क्यों यूज़ करते हो, मैं हर चीज़ खाती हूँ, ऐसा नहीं मैं फुल डाइट पे हूँ, मैं चीनी नहीं खाती, मीट नहीं खाती, मैं हर चीज़ खाती हूँ। बट ये जो ये मॉर्निंग ड्रिंक्स डिटॉक्स वाटर ये भी साथ साथ लेती हूँ ताकि ज़्यादा मसला ना बढ़े उसी वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं है। बाकी मैं हर एक चीज़ खाती हूँ, मतलब उतना मैं नहीं करती डाइट फॉलो। सूट इसका एक्चुअली किसी ने मुझे पूछा था एक बार कि आप हमें दिखाना ये, बट अभी मिरर में उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। ये देखिए, इस वाले रूम में आई हूँ क्योंकि यहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं। अब ना मतलब ये ऐसा लगता है कि नमाज रूम है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, तो इसीलिए अब यहाँ पे वो वाली फीलिंग आती है कि जैसा ये नमाज रूम है इसलिए हम सारे इसी वाले रूम में नमाज पढ़ते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ूँगी नमाज। नमाज हो गई है, अब मैं निकालती हूँ। यहाँ से आज काम चल रहा है, टाइल्स रख रही है। उसके बाद फिर मैं अपनी नानी के साथ बैठ के यहाँ पे मज़े से हम टीवी एंजॉय कर रहे थे। फिर मैं और मेरी नानी ने बहुत सारी बातें की, मज़े किए। तो बस ये था एक छोटा सा व्लॉग और छोटी सी अपडेट। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद।